नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल आर के नॉलेज इलेक्ट्रिकल में। दोस्तों, अंडरग्राउंड केबल को पहले थ्योरेटिकल तो अपन ने बहुत बार पढ़ा हुआ है, लेकिन आज मैं आपको इसको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूं कि अंडरग्राउंड केबल में कितने प्रकार की लेयर होती है और उन लेयर का क्या कार्य होता है। मेरे पास में अभी एक 3 कोर वाली अंडरग्राउंड केबल है और इस केबल के सभी कवच या परत जो आपको मैं बताने वाला हूँ, आपको इनको डिटेल से सीरियल से याद रखना होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में इनको सीरियल्स के लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको सबसे पहले ये 3 कोर की केबल जो अंडरग्राउंड केबल है, उसमें मैं आपको कोर वाला हिस्सा जो है वो बता देता हूँ। इसमें ये वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है, जो बीच में जस्ट इनके बीच में है, ये इसकी एक कोर है जो एल्यूमिनियम से बनी हुई है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रवाहित होता है। उसके बाद में इसके जस्ट ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर एक अचालक आवरण लगा हुआ है ब्लैक कलर का। ये पीवीसी या बिटुमन पदार्थ का हो सकता है, तो ये मोस्टली पीवीसी का ही होता है, जिसको अचालक आवरण कहते हैं। उसके बाद में आप देखेंगे तो ये कॉपर के कलर से, यानी कॉपर की एक पत्ती लगी हुई है इन तीनों कोर के ऊपर, इसको बोलते हैं धात्विक कवच। ये धात्विक कवच एल्यूमिनियम का भी हो सकता है, लेड का भी यानी शीशे का भी हो सकता है, और कॉपर का भी हो सकता है। अभी मेरे पास जो केबल है, इसमें ये कॉपर से बना हुआ धात्विक कवच है। इस धात्विक कवच का जो कार्य होता है वो होता है कि जो केबल की जो कोर होती है, उस कोर के अंदर नमी प्रवेश नहीं कर सके, ये अंडरग्राउंड केबल में इसलिए लगाई जाती है। उसके बाद में इन सभी को जो है एक राउंड शेप में देने के लिए एक बिटुमन कंपाउंड के ये अचालक की स्ट्रिप जो है, यहाँ पे देखो तीनों कोनों के ऊपर जो है ये अचालक की स्ट्रिप जो है ये लगाई दी गई है। तो आप इसको ध्यान से देख पाएंगे, ये अचालक बिटुमन मटेरियल की बनी हुई है, मोस्टली ये अचालक ही होते हैं, इसको राउंड शेप में देने के लिए ऐसा किया जाता है। इनके बाद में आप देखेंगे ये वाली जो स्थिति है, ये गोल आकार के अंदर, यानी इस स्ट्रिप के ऊपर इन सबको एक कोर के अंदर सिमेटने के लिए यहाँ पर एक परत लगाई गई है। तो ये परत जो है ये कहलाती है अपनी बीडिंग, और बीडिंग के ऊपर जो है आप देखेंगे तो ये स्टील की जो है ये पत्ती के आकार के वायर लगे हुए हैं, इनको कहते हैं आर्मरिंग। और ये आर्मरिंग का कार्य जो होता है, ये केबल की जो कोर होती है या केबल को यांत्रिक चोटों से सुरक्षित रखने के लिए आर्मरिंग लगाई जाती है। उसके बाद में इन सभी के ऊपर अंत में एक परत लगाई गई है, जिसको अपन कहते हैं सर्विंग। तो इस केबल के अंदर जो लगाई जाने वाली परत है, उन सबको मैं आपको एक बार फिर से सीरियल से बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले होती है ये कोर, उसके बाद में अचालक आवरण, उसके बाद में बात करें तो ये है धात्विक कवच, और उसके बाद में एक होता है बीडिंग, उसके बाद में आर्मरिंग और सर्विंग। ये टोटल 6 लेयर जो है इस केबल के लिए होती है। इस केबल का दूसरा वाला हिस्सा मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसमें मैंने इन सबको अलग अलग करके रखा हुआ है। अब देखिए, यहाँ पर ये कोर हो गई है, और उसके बाद में ये गोल आकृति के अंदर आपको ये अचालक आवरण है, और ये इसका धात्विक कवच जो है, ये इसका धात्विक कवच है। देखो, इसके ऊपर इस टाइप से ये लगा हुआ होता है पूरा गोल आकृति के अंदर, जो नमी को बचा देता है, नमी को कोर तक पहुंचने से बचाता है। उसके बाद में जो है आपको यहाँ पर ये इसके राउंड शेप देने के लिए स्ट्रिप लगी हुई है, इन सबको राउंड शेप में एक कोर में सिमेटने के लिए इसके ऊपर ये वाला कवच लगाया जाता है, इसको कहते हैं बीडिंग। तो ये हो गया कोर, ये अचालक आवरण, उसके ऊपर ये धात्विक कवच कॉपर का, और उसके बाद में ये बीडिंग, और बीडिंग के बाद में ये इसकी जो है पत्ती के आकार की आर्मरिंग जो है, ये स्ट्रिप जो है गोल आकृति में इसके चारों तरफ लगी होती है यांत्रिक चोटों से सुरक्षित रखने के लिए, और अंत में इसके ऊपर ये वाली परत लगाई जाती है, जिसको सर्विंग कहा जाता है। तो इसको उल्टी वापस देख लीजिए, ये सर्विंग हो गई है, ये आर्मरिंग, और ये इसकी बीडिंग, और ये इसका धात्विक कवच, और फिर ये यहाँ पर आपको दिखेगा ये अचालक आवरण, और ये है मेन कोर। तो ये 3 कोर अंडरग्राउंड केबल जो है मैंने आपको बताई है।